हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि, वेलकम टू माय चैनल द फूड हेवंस। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई, लेकिन बिना दूध की। तो कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। ज़्यादातर लोग खरबूजे के बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप खरबूजे के बीजों को कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आज इन्हीं खरबूजे के बीजों से हम बनाएंगे हेल्दी ठंडाई, जिसमें काफ़ी विटामिन और प्रोटीन होता है। ये मेरे एक दो दिन पहले के खरबूजे के बीज हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं और इन्हें पानी में भिगो के रखा है। पानी में भिगो के रखने से ये इजीली निकल जाते हैं। अगर हम इंस्टेंट खरबूजे के बीज निकालेंगे तो इन्हें बहुत ही मेहनत लगती है निकालने में। अब मैं एक खरबूजे के बीज आपको निकाल के दिखाऊंगी कि इन्हें कैसे वॉश करना है। बीजों को वॉश करने के लिए कोई भी जाली वाली टोकरी लेंगे, हम इनमें बीज डाल देंगे और डायरेक्ट पानी के नीचे इसे वॉश करेंगे। हल्का हल्का हाथ से मसलते जाएंगे तो इजीली बीज अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, बीज अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। ये बीज अब निकल गए हैं, ये देखिए। अभी बीज मैंने जो वॉश करके रखे हैं, इसी तरीके से मैंने 5-6 खरबूजों के बीज वॉश करके रखे हुए हैं, ये देखिए। इन्हें पहले हम धो के सुखा देंगे और आप चाहे इसे फिर फ्रिज में रखें या बाहर रखें, खराब नहीं होते। तो मैंने 5-6 खरबूजों के बीज इसमें निकाल लिए हैं, अब हम इनकी ठंडाई बनाएंगे। तो मैं ये वाले बीज भी इसी में मिक्स कर रही हूँ। खरबूजे के बीजों की ठंडाई बनाने से पहले इन्हें 5-6 घंटे मैंने पहले ही पानी में भिगो के रखा हुआ है। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी। इसका पानी निकाल लेंगे हम। बीजों की मेजरमेंट के लिए मैंने ये कटोरी यूज़ की है, ये एक कटोरी बीज है। साथ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, चुटकी भर, देसी खांड, इसकी जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, इलायची के दाने जिन्हें मैंने पीस लिया है और 1 चम्मच सौंफ। तो चलिए बनाते हैं ठंडाई। मिक्सी में मैंने सारे बीज डाल दिए हैं, अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। इसे ग्राइंड करते टाइम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे। ये थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी मैं इसमें और वापस इसे ग्राइंड करूंगी। अब दोबारा मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे खोल के एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये बीज अभी अच्छे से नहीं हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। स्पून से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और जो साइड्स में लगा हुआ बीज वो उतार देंगे। अब इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए, अब ये बीज अच्छे से हो रहे हैं। अब इसे एक बार चेक कर लेंगे, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है अभी। सौंफ को मैं दरदरा पीस रही हूँ और दरदरा पीसने के बाद हम इस ठंडाई में से ऐड करेंगे। अभी सौंफ इस ठंडाई में डाल देंगे। सौंफ डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे बारीक छन्नी से छान लेंगे। इसमें जो भी मेहनत है छानने में ही है, क्योंकि इसे हमें 2 से 3 बार छानना पड़ेगा ताकि बीज के छिलके हमारे मुंह में ना आए। इस तरीके से लेके इसे किसी करछी की सहायता से आप यूं हिलाते जाएं। अब ये देखिए, छिलके जो हैं अलग होते जा रहे हैं और जो ये बीजों का दूध है ये अलग होता जा रहा है।
अभी देखिए गुद्दा जो है अभी इसमें भी बीज है, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे अच्छे से छानेंगे। इस तरीके से इसे छानते जाएंगे। अभी बीजों का फोक मैंने निकाल दिया है, ये सारे छिलके हैं इसके, जिन्हें हम फेंक देंगे। और ये ठंडाई जो है हमारी नीचे निकल आई है, लेकिन ठंडाई को हम दो बार फिर से छानेंगे ताकि बीजों का छिलके बिल्कुल भी ना आए। अभी मैंने छन्नी को दोबारा से वॉश कर लिया है और इस ठंडाई को हम एक बार दोबारा से छान लेंगे। जो थोड़े बहुत बीज के छिलके अगर रह गए हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। ये देखिए ये थोड़े से जो छिलके इसमें रह गए थे ये आ गए हैं। अब इसी तरीके से एक बार हम इसे दोबारा छानेंगे। अब इस ठंडाई को तीसरी बार मैं छान रही हूँ ताकि इसमें कोई भी बीज का छिलका ना रहे। ये देखिए छान लिया। अब ये हमारी ठंडाई बन गई है। अब ये ठंडाई मैं मिक्सी के जार में डालूंगी, साथ में इसमें डालूंगी देसी खांड, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए और साथ में थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें आइस, क्योंकि गर्म ठंडाई अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसे एक बार दोबारा से मिक्सी में घुमा लेंगे। अब तैयार है हमारी बिना दूध की हेल्दी ठंडाई। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी जरूर अच्छी लगेगी, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।